कभी सोचा है अगर बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म देवदास के देव बाबू शाहरुख खान की जगह कोई और एक्टर होता तो क्या होता? जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला था। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म के लिए शाहरुख से पहले किसी और से बात की थी। कभी सोचा है अगर बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म देवदास के देव बाबू शाहरुख खान की जगह कोई और एक्टर होता तो क्या होता? जी हाँ, ऐसा ही कुछ होने वाला था। दरअसल इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म के लिए शाहरुख से पहले किसी और से बात की थी। भंसाली चाहते थे कि उनके फिल्म के देवास शाहरुख खान नहीं बल्कि सलमान खान हो। उन्होंने सलमान खान को जब इस रोल का ऑफर दिया तो उन्होंने इसे मना कर दिया था, जिसके बाद भंसाली ने इस रोल के लिए शाहरुख खान से पूछा और उन्होंने तुरंत ही इसे करने के लिए हाँ कर दी। 2002 को रिलीज हुई देवदास एक बड़ी हिट साबित हुई। देवदास के साथ साथ इस फिल्म के दूसरे किरदार भी काफी पॉपुलर हो गए। इस फिल्म को जिस स्टार कास्ट के साथ डायरेक्टर पर्दे पर उतारना चाहते थे वो तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद यह कहना गलत नहीं होगा कि शायद ही कोई शाहरुख से बेहतर इस किरदार के साथ न्याय कर पाता। शाहरुख ने अपने दमदार एक्टिंग के दम पर इस फिल्म में एक नई जान डालने का काम किया। शाहरुख खान ने सिल्वर स्क्रीन पर अपने रोल को रियलिस्टिक दिखाने के लिए काफी मेहनत करते हैं। यही वजह थी कि उन्होंने इस फिल्म में सीन को रियल लुक देने के लिए कई बार सच में शराब पी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख ने शूटिंग से पहले कुछ पेग्स लिए थे, जबकि शाहरुख सामान्यतः शराब नहीं पीते हैं। देवदास के दोस्त चुनी लाल का किरदार भी फिल्म के लिए काफी अहम था। ऐसे में जैकी श्रॉफ भी भंसाली के पहले पसंद नहीं थे। भंसाली चाहते थे कि चुनी लाल का किरदार गोविंदा करें, लेकिन जब गोविंदा ने इसे करने से मना कर दिया तो सैफ अली खान और मनोज बाजपेयी को इस रोल के अप्रोच किया था। गोविंदा की तरह जब इन्होंने भी चुनी लाल का किरदार करने से इनकार कर दिया तो जैकी श्रॉफ को इसका ऑफर दिया गया। जैकी श्रॉफ ने इसे कबूला और बन गए देवदास के सबसे करीबी दोस्त चुनी लाल। इस फिल्म में शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ के अलावा ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित भी अहम भूमिका में थी।